सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन लई प्रेस करो बेल आइकन। इस वेले दी अहम खबर, दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अज सिंघू बॉर्डर ते पहुंचे जिथे उन्होंने किसानां दे अंदोलन दे विच सुविधावां दा जायजा लिया। उथे उन्होंने कहा कि अज ओह सेवादार बन के किसानां दे विच आए ने ते हर मोड़ ते किसानां दे नाल खड़े ने। इस दे नाल ही केजरीवाल ने कहा कि किसानां दे वास्ते आरजी जिला बनाउण नूं लै के केंद्र ने उन्हां दे उपर काफी दबाव बनाया सी, पर उन्हां ने किसे दी वी नहीं मनी अते अगे तों वी ओह किसानां दी हिमायत करदे रहणगे। केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे, स्टेडियम में। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद नहीं मिलेगी। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे MLA, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। भारत माता की जय। किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहाकर अन्न देता है हमारे लिए, हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है, हम सबका, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े हैं और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा, साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइप। दिल्ली तो ब्यूरो रिपोर्ट NC7 न्यूज़।